खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद से। देवरिया जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र द्वारा गुमशुदा मोबाइल के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु साइबर सेल को निस्तारण एवं गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके बाद साइबर सेल द्वारा गुमशुदा मोबाइल फोन के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं मोबाइलों की बरामदगी हेतु नियमानुसार लगातार प्रयास करने के बाद 108 लोगों के गुमशुदा मोबाइल फोन जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है उन्हें बरामद कर लिया और जिनके मोबाइल थे उन्हें वापस कर दिया गया। वही साइबर सेल ने लोगों के बैंक अकाउंट से कटे हुए धनराशि को 7 पीड़ित व्यक्तियों के खाते से अवैध तरीके से निकाले गए 2,24,455 रुपए की धनराशि को उन्हीं के खाते में वापस कराने में सफलता हासिल की। देवरिया से हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। साइबर सेल देवरिया ने 108 विभिन्न ब्रांड के जो मोबाइल विभिन्न व्यक्तियों के गुम हुए थे उसे बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इस मोबाइल की जो कीमत है वो करीब 10 से 12 लाख रुपए के आसपास है। इसके अलावा साइबर सेल ने लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास जिनके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए थे वो रुपए भी इन्होंने 8 लोगों का वापस कराने में सफलता प्राप्त की है। इनके इस अच्छे कार्य के लिए जहां यहां उपस्थित सभी 108 व्यक्तियों ने इनको धन्यवाद ज्ञापित किया है, वहां इनके इस सुकृत के लिए मैंने 5,000 रुपये नगद पारितोषिक देने की घोषणा की है। साथ ही इनसे ये भी उम्मीद की गई है कि भविष्य में इस तरह के और भी लोगों के जो मोबाइल गुम हुए हैं या जो बैंक से पैसे कट जा रहे हैं या फ्रॉड करके लोग ले रहे हैं उनको वापस कराने में ये और पूर्ण मनोयोग के साथ काम करेंगे।